सेल्फ फीलिंग बाय न्यूरोथेरेपी में अगला पॉइंट है हमारा थाइमस प्रेस। थाइमस प्रेस हम उन लोगों को लिए देते हैं या वो लोग ले सकते हैं जिनको घबराहट हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो, अचानक से भारीपन हो चेस्ट में, या कई बार डिप्रेशन में कोई पेशेंट चला जाता है तो उसका एक एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हम थाइमस प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये थाइमस प्रेस क्या है, सारे न्यूरोथेरेपिस्ट ये जानते हैं कि थाइमस एक हमारा पॉइंट है, ये वाला दोनों निप्पल्स के बीच में छोटा सा गड्ढा है, इन गड्ढे को अगर हम पॉइंट देते हैं थाइमस का तो थाइमस पॉइंट है जो थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। लेकिन इसी को अगर हम प्रेस करें, आप अंगूठे से कर सकते हैं, हथेली से कर सकते हैं, और यहाँ पर दबाने के बाद में थोड़ी देर श्वास को रोकना है, जैसे मैंने प्रेस किया और फिर श्वास को लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो जब आपने श्वास छोड़ दी तब आपने इसको प्रेस करना है और श्वास को रोकना है 6 सेकंड के लिए, लेकिन लेना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर श्वास को लीजिए। तो श्वास जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ एकदम सर्कुलेशन क्रिएट होगा और यहाँ का भारीपन, आपको स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी ये दूर होगा। तो थाइमस प्रेस इसको प्रेस करके रखना है, श्वास को छोड़ने के बाद में प्रेस करना है और 6 सेकंड का होल्ड करना है। 6 सेकंड के होल्ड के बाद फिर श्वास को लेना है और आप देखेंगे कि आपको श्वास लेने में भी हल्कापन लगेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है जिससे आपको शरीर में हल्कापन आना शुरू हो जाता है। तो थाइमस प्रेस वो लोग लेंगे जिनको भारीपन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, श्वास लेने में तकलीफ है या चेस्ट भारी भारी हो रहा है, तो ये थाइमस प्रेस बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं हथेली से प्रेस कर और अपनी खुद की एंजाइटी को दूर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।